तो ये जो बेडरूम आप देख रहे हैं, इन बेडरूम्स को हमने पीवीसी पैनल से पूरे डेकोरेट किया है, डिज़ाइन किया है। इस रूम में हमने पीवीसी वॉल पैनल्स लगाए हैं। इन दीवार जो थी, सारे दीवार की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, इनका प्लास्टर निकल चुका था, इन पे सीलन आता था, उसका कंडीशन भी आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और साथ ही में हमने दीवार पर टीवी यूनिट्स बनाया है, बेड के साइड हमने बेड की डिज़ाइन बनाया है, ऊपर की साइड हमने फॉर सीलिंग डिज़ाइन किया है। तो इसके कॉस्ट के बारे में भी आगे हम वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको पूरी डिटेल से सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम इंटीरियर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियोज़ डालते रहते हैं, वो आप तक पहुँच। अभी आप ये जो सामने दीवार देख रहे हैं, इसको हमने पीवीसी पैनल्स लगा के बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया है। साथ में यहाँ पर अलमारी बना हुआ था जो कि ब्राउन कलर का था, इसलिए हमने यहाँ पर पीवीसी सीट जो हमारा था वो ब्राउन कलर का यहाँ पर हमने साइड साइड में लगा दिया। कुछ बॉक्स टाइप का हमने डिज़ाइन कर दिया जिससे कि ये बिल्कुल अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि इसका कंडीशन पहले क्या था और अभी हमने किस प्रकार से इसको बना दिया है। इसी के साथ ही में हम आपको यहाँ पर बोर्ड और लाइट्स को भी कहाँ पर एडजस्ट किए हैं साथ ही में दिखाते चलेंगे। ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारा एसी बॉक्स है, इसको हमने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर ऊपर हमारा एसी लगना है, तो अभी इसके साइड में आप देखेंगे पूरे दीवार पर हमने पीवीसी पैनल लगा दिया है। बीच में यहाँ पर सिंगारदान बना हुआ था, तो यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग से पैनल्स को कट करके लगा दिया गया है। साइड में इसके बिडिंग लगाया जाता है। इस दीवार की कंडीशन आप देख सकते हैं, पहले कुछ इस प्रकार थी और अब इस प्रकार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि एक शोरूम जैसा लुक आ चुका है इसको करवाने के बाद। अपने बैक साइड के वॉल को देख लेते हैं, इधर हमारा एंट्री डोर है, इस पे हमने टीवी यूनिट डिज़ाइन किया है। साथ में ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड हमने क्रीम कलर के पैनल से पूरा कवर कर दिया है। और दरवाजे के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं रोशनदान था, इसको भी हमने पूरे शीट से कवर कर दिया है क्योंकि इसमें एसी लगना था, अगर पैक नहीं करेंगे तो सारा गैस बाहर निकल जाएगा। साथ में अभी हम टीवी यूनिट देख लेते हैं। इस डिज़ाइन को अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर इसका वीडियो पड़ा हुआ है किस प्रकार से बनाएंगे, तो वो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर हमने तीन बॉक्स टीवी यूनिट के साइड में डिज़ाइन करके लगाया है और इसके अंदर हमने स्कॉट लाइट्स का यूज़ किया है जो कुछ वार्म कलर का है। और तीनों बॉक्स की दूरी अगर हम बात करें तो चार चार इंच की दूरी पे यहाँ पर हमने बॉक्स लगाया है और चार इंच की दूरी पे सबसे नीचे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया है जिससे हमारे सारे लाइट्स की एडजस्टमेंट है यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी कटिंग कुछ हमारा एप्पल टाइप का है और थोड़ा उससे अलग भी बोल सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को किस प्रकार से काटे हैं हम, वो भी हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं, वो हमारा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ चुका है, वहाँ पर आप जाके इस पूरे डिज़ाइन को बनाना सीख सकते हैं। और बात करें साइड की, तो यहाँ पर साइड पे हमने बॉक्स जैसा कुछ डिज़ाइन दिया है, नीचे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिज़ाइन किया है। हम ऊपर की साइड देख लेते हैं, ऊपर आप देखेंगे कुछ बॉक्सी टाइप का हमने डिज़ाइन दिया है जो साइड में दिया था। साथ में यहाँ पर हमने तीन स्कॉट लाइट्स को एडजस्ट किया है जिनकी दूरी आपको बिल्कुल बराबर रखनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे और साइड की साइड हमने यहाँ पर रोप लाइट लगाया है जो कि कुछ वार्म कलर का है। साथ ही में यहाँ पर टीवी का प्लग लगाने के लिए हमने एक बोर्ड दिया है, उसके ऊपर एडाप्टर को हमने एडजस्ट किया है। और आपको यहाँ पर सबसे पहले आप बता दें कि क्रीम और ब्राउन कलर की सीट्स का हमने यहाँ पर यूज़ किया है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने साइड वाली दीवार पर जिस पर हमने पीवीसी पैनल से पूरा कवर किया है। और आगे वीडियो में आपको इसका प्राइस भी बताएंगे कि कितने में हम यहाँ पर पैनल्स लगाते हैं, टीवी यूनिट का डिज़ाइन का प्राइस क्या है, बेड के डिज़ाइन का प्राइस क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दरवाजे के बगल काफ़ी बेकार सा कंडीशन था, यहाँ पर हमने पैनल्स लगा के बिल्कुल अच्छे से कवर किया है और ब्राउन कलर के यहाँ पर बिडिंग का यूज़ किया है और क्रीम कलर के पैनल्स का यूज़ किया है जिससे कुछ अट्रैक्टिव सा लुक आता है। यहाँ पर ब्राउन कलर का हमारा डोर था, तो उसी डोर के कम्बिनेशन में हमने यहाँ पर ब्राउन कलर के बिडिंग को लगाया है। साथ ही में आप देखेंगे कितने फिनिशिंग से हमारा सारा काम हुआ है। अगर आप इस काम को करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यहां पर एक जंगला था, इस विंडो को भी हमने अच्छे से कवर किया है पीवीसी से। तो अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेड का डिज़ाइन जो हमने बनाया है कुछ बटरफ्लाई टाइप का है, इसको भी किस प्रकार से हमने बनाया है इसकी वीडियो अगली आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें भी हमने ब्राउन और क्रीम कलर के सीट का यूज़ किया है, देखेंगे आप तो बीच में और बॉक्स में हमने क्रीम कलर के सीट्स को लगाया है, साइड में हमने यहाँ पर ब्राउन कलर के सीट्स को लगाया है, बॉक्स में हमने वार्म कलर के लाइट्स को लगाया है जो कि वहाँ पर टीवी यूनिट में भी आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का लगाया था, और साइड साइड में हमने रोप लाइट्स का यूज़ किया है जो अंडरग्राउंड होता है।
उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड हमारा दो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है जिससे हमारा सारा लाइट कंट्रोल हो रहा है। चलिए अभी हम ऊपर की साइड चलते हैं, जो हमने सीलिंग डिजाइन किया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप बीच में देखेंगे तो जो हमारा 1.5 इंच ऊपर उठा होता है बॉर्डर से, उसमें हमने व्हाइट कलर की शीट का यूज़ किया है। जो डिज़ाइन हमने किया है बीच में वो हमारा ब्राउन कलर का है। उसके साथ ही जो हमारा साइड का बॉर्डर होता है, बॉर्डर हमारा 15 इंच का होता है और इसमें भी हमने ब्राउन कलर की शीट का यूज़ किया है और वार्म कलर के रोप लाइट चारों साइड लगाए हैं। और साथ ही जो बीच में हमने पंखा बनाया है, दो पंखे हमारे हैं इस रूम में, एक इस साइड है एक दूसरे साइड में है, वो भी हम दिखाएंगे। तो इसमें भी हमने ब्राउन कलर की शीट का यूज़ किया है। ये हमारा 1.5 इंच और ऊपर है हमारी डिजाइन से। इसके अंदर हमने वार्म कलर के रोप लाइट दिए ये हैं। हमने फैन के लिए रॉड डाल दिया है। इसके बाद अगर आप बीच वाली डिजाइन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमने 5 प्लेट्स जैसा डिजाइन बनाया है। इसको हमने एडजस्ट किया है, इसके ऊपर हमने बीच में रोप लाइट्स लगाए हैं और इसके बीच बीच में स्कॉट लाइट लगाए हैं जो 2 वाट का होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बेहतरीन सा लुक दे रहा है। इस लुक को आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। इसके साइड साइड में हमने 2 LED लाइट्स लगाई हैं और उसके बाद आप देखेंगे तो आगे भी हमने एक फ़ैन के लिए डिज़ाइन किया है। ये भी हमारा 1.5 इंच ऊपर है, इसमें भी रोप लाइट्स हमारा लगा हुआ है, मैरून कलर का सीट्स अंदर है। और अभी आप इस डिज़ाइन को पूरा देख सकते हैं, आपको ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो अभी हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनवाना चाहते हैं तो इस सीलिंग डिज़ाइन के लिए आपको मात्र 90 रुपये स्क्वायर फीट देना है। साथ ही हम बात कर लेते हैं हमारा वॉल पैनल कितने में लगता है। तो अगर आप दीवार पर वॉल पैनल लगाना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये स्क्वायर फीट हम वॉल पैनल को लगाते हैं और 10 रुपये लिबर्टी चार्ज आपको अलग से देना है। मतलब टोटल 30 रुपीज़, 30 रुपये स्क्वायर फीट में हम वॉल पैनल लगाते हैं। इसमें आपको कोई भी चीज़ें नहीं देनी होती है। इसमें हमारा सारा PVC का पार्ट और जो भी एसेसरीज लगती हैं सारा हमारा होता है। आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना, बस 30 रुपये स्क्वायर फीट होता है। और अभी हम बात कर लेते हैं हमारा जो TV यूनिट था उसके बारे में। तो TV यूनिट हमारा मात्र 90 रुपये स्क्वायर फीट हमने बनाया है। इस प्राइस में आपको पूरे मार्केट में कहीं भी कोई भी बना के नहीं दे सकता है, ये हम आपसे दावा कर सकते हैं। और जो बेड का डिज़ाइन आप देखे थे वो बेड का डिज़ाइन भी मात्र 90 रुपये स्क्वायर फीट था। अगर आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर जाके आप हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।